हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। मेरा ब्लॉग नंबर 2 रहेगा। और जैसे कि अब मैं उठ चुकी थी, मतलब 9 बजे ही उठ चुकी थी, अभी बज रहे 1, क्योंकि घर में कोई नहीं है तो मुझे काम वगैरह सारा करना पड़ा था। तो अब मैं काम होके फ्री हो गई। तो ये सब्जी वाला इतना तेज तेज मैं बोल रहा है मेरे ब्लॉग में, क्या करूँ, इन्हें इसी टाइम आना पड़ता है। वो एक तो वैसे थक चुकी हूँ क्योंकि मेरा घर जो है 5th फ्लोर तक का है। अपना हेयर स्पा करवाना बहुत दिन से सोच रही थी बट हो नहीं पा रहा था, बट अब फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिल चुका है तो मैं सोच रही हूँ अपना हेयर स्पा करवाती हूँ। बाकी हेयर स्पा की वीडियो आप देखते रहना। गाइस, जैसे कि देख सकते हो मेरा भी वॉश हो रहा है एंड फिर इसके बाद मेरा स्पा। ये है सो बताना कमेंट में करके कैसा लग रहा है ये मेरा लुक। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ये। आज मैं रील बनाऊंगी अच्छी सी। जैसे कि आपने लास्ट शिफ्ट में देखा था कि मैं स्पा करवा के आ चुकी हूँ। मैं फिलहाल तो घर आके मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ प्रॉपर। अब मैं जा रही हूँ घर से बाहर क्योंकि मुझे थोड़ा सीपी जाना है, सीपी में कुछ काम है। सो जो भी ब्लॉग में रहेगा आप कंटिन्यूस को देखते रहना है। अब बाकी मिलते हैं थोड़ा नेक्स्ट पार्ट। चुके हैं जैसे कि अभी आपको ये वीडियो में एक बिल्डिंग दिखेगी, मैं तो बचपन से देख रही हूँ बेचारी ऐसी खंडर पड़ी हुई है। बाकी कोई नहीं, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आई थी जनपद के साइड थोड़ा, तो यहाँ जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक बहुत फेमस समोसे वाला लगाता है, मतलब कि इसका यूट्यूब वगैरह हर किसी में आ रखा है। बट मैं बहुत बहुत गंदा फील हो रहा है मुझे क्योंकि देखिए इस टाइम है ही नहीं वो, मतलब इसने लगा ही नहीं रखा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेचारा ये भूखा था कितना, ये भी कह रहा है आहा मैं क्या करूं। बेचारे का मुंह देख सकते हैं, सुअर जैसा लग रहा है, कितना गंदा काला सुअर। बाकी कोई नहीं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम दूसरी शॉप पे आए थे कुछ खाने के लिए, यहाँ पर भी वो दुकान बनती जहाँ मेरा फेवरेट है। बट अब कुछ नहीं, हम रास्ते में अब जा रहे हैं जैन चावल, वहाँ देखते हैं क्या अच्छा मिलता है। हमारे देख सकते हैं हम आ गए हैं जैन चावल फाइनली, क्योंकि वहाँ हम 2 जगह गए, एक जगह थाली जहाँ खानी थी मुझे जो मेरा फेवरेट था, और दूसरा जो था मेरा वही समोसा वाला, दोनों ही बंद थे। तो फाइनली जैन चावल खुला हुआ है। वैसे भी ये मैंने सुना है कि 24 घंटा खुला रहता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद रहता है। और मैंने सुना है काफ़ी, मतलब कि 20-25 साल पुराना है, पहले मतलब ठेली पे लगा देते, अब ऐसे बहुत अच्छी दुकान बना ली है। तो फाइनली चलो अब चलो खाते हैं, मेरा तो मन ही है पनीर का पराठा खाने का। चलो गाइस मिल गया, आ जाओ। बहुत बहुत प्यारे देता है यहाँ पे, मुझे सबसे ज़्यादा इसके पनीर पराठा ही बहुत पसंद है। और यहाँ पे कोई चप्पर चप्पर चक्कर खा रहा है जिससे मुझे बहुत इरिटेशन मचती है, कोई भी चप्पर चप्पर करके खाता है मैं तो एकदम साइलेंट खाती हूँ। बट गाइस सच में बता रही हूँ, आप भी जैन चावल आओ, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। खासकर मैं बता रही हूँ सच में, रात में आओ 12-1 बजे, बहुत अच्छा लगता है। बाकी कोई मज़े जैसे लो। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर और ये मेरा रूम का हालत आप देख सकते हैं, और दूसरा हालत आप मेरे बगल में देख सकते हैं, मेरे गूगल ने क्या करा है ये मेरे नहाने के मग्गे के साथ। तो गाइस अब मैं क्या ही बोलूँ, इसको डांट भी नहीं सकती क्योंकि इतना प्यार तो करती हूँ। बट गाइस मैं इसको देख के, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा डांटती हूँ ना तो मुझे काटने की दौड़ता है, इसने मुझे कल ही थोड़ा बाइट किया है। बाकी कोई नहीं, आज मेरा थोड़ा मूड खराब भी होगा क्योंकि मुझे सीपी जाना था, मुझे कुछ जरूरी काम भी था, हो नहीं पाया। बट कोई नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया था फिलहाल। एंड गाइस देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना, गूगल को देख के ज़रूर करना एंड कमेंट भी ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।